हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हिंदी किस बॉट के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एक नया फोन जो कुछ ही समय बाद आपके नजदीकी रिटेलर स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं Realme 9i के बारे में, जिसका बॉक्स ओपन करेंगे और साथ में इसका एक छोटा सा फर्स्ट इंप्रेशन भी देखेंगे, इसमें क्या क्या फीचर दिए गए हैं। हालांकि इसका फुल डिटेल रिव्यू जो है वो हम थोड़े दिनों बाद लाएंगे इसे यूज करने के बाद। अभी फिलहाल चेक करते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलता है और इसमें कैमरा वगैरह कैसे दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे सामने है Realme 9i का बॉक्स। इसे ओपन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या मिलता है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा बॉक्स पे नजर डाल लेते हैं। प्लेन बॉक्स है जैसा कि Realme का बॉक्स होता है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट में 9i दिया गया है, Realme यहाँ पे लिखा हुआ है। बैक साइड में इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, 33W डॉट चार्ज, 50 MP AI ट्रिपल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर है और प्राइस वगैरह तो आपको थोड़ी देर में ही पता चल पाएगा। इसको ओपन करते हैं हम। सबसे पहले हमें एक ये बॉक्स मिला है, आई होप इसमें मैनुअल वगैरह ही होंगी। ये तो इसमें आपको सेफ्टी गाइड मिलती है और एक सिम इजेक्टर टूल है, इसको हम साइड में रख देते हैं। एक ये कवर दिया गया है, बहुत खास क्वालिटी नहीं है, बट हाँ साथ में दिया गया है तो इसे आप कुछ दिन यूज कर सकते हैं। बाद में आप एक थर्ड पार्टी कवर जो है वो खरीद सकते हैं अपनी पसंद का, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। और ये क्विक गाइड इसमें दी गई है और ये है हमारी मेन डिवाइस, लाइट ब्लू कलर की है, इसको हम बाद में अभी देखेंगे। और ये हमारा 33W का डार्क चार्जर, थोड़ा सा बड़ा है, आई होप थोड़ा साइज छोटा कर देते तो ईजी होता। ठीक है, फास्ट चार्जर है, मेन इम्पॉर्टेंट तो वही चीज़ है। और ये एक आपको सी केबल मिलती है। अब हम फोन पे नज़र डालते हैं, बहुत स्लिम है अगर साइज वाइज देखेंगे। नीचे की ओर यहाँ पे आपको सी पोर्ट मिलता है, साथ में एक 3.5 का ऑडियो जैक दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो अपना हेडफोन ऑडियो जैक के थ्रू यूज़ करते हैं, तो ये इसमें डेडिकेटेड दिया गया है, तो यानी आपको इस पोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी भी कनेक्टर की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ से फ़ोन चार्ज करिए, यहाँ से आप हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। और ये स्पीकर ग्रिल दी गई हैं आपकी। तो बैक साइड में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल कैमरा सेटअप किया गया है हमारा, यहाँ पे LED लाइट है और ये हमारा एक मैक्रो सेंसर है, ये हमारा एक डेप्थ सेंसर है और डाउन में हमारा एक कैमरा दिया गया है। मेन मेगापिक्सल जो है 50 MP है इसका और साथ में 2-2 MP के आपको ये दोनों कैमरा मिलते हैं। फ्रंट में यहाँ देखेंगे 16 MP का हमें जो है ये पंच होल कैमरा मिलता है। साइड में ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, हालांकि मिडिल में भी बहुत से फोन्स में आता है, लेकिन ठीक है साइड में थोड़ा कूल लगता है। चलिए चेक करते हैं फोन के अंदर हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है। तो अबाउट फोन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें प्रोसेसर जो है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 ऑक्टा कोर दिया गया है, 6GB की रैम है और इसमें जो स्टोरेज है 128GB का है। हालांकि इसमें और भी वेरिएंट आपको मिलेंगे, लेकिन ये 128GB का स्टोरेज वेरिएंट है जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। सिम स्लॉट भी हम चेक कर लेते हैं, एंड्रॉयड 11 जो है इसमें मिलता है आपको और Realme UI का V2.0 वर्जन इसमें मिलता है। सिम स्लॉट हम चेक कर लेते हैं, इसमें कौन सा सिम स्लॉट दिया गया है, ये आपका हाइब्रिड है या नॉर्मल है, तो इसके लिए हम साइड में वॉल्यूम बटन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे आप दो यानी डुअल सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं, आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा अगर आप साथ में माइक्रो SD कार्ड के साथ में दो सिम भी यूज़ करना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। स्क्रीन का अभी तक देखें तो स्मूथ लग रही है मुझे, 90Hz सपोर्ट करती है ये स्क्रीन। वैसे यूज़ करने पता चलेगा और ज़्यादा कि इसमें क्या 120 तक की देनी चाहिए स्क्रीन या नहीं। फुल SD स्क्रीन सेटअप है इसका और कुछ प्री लोडेड ऐप्स भी इसमें आपको मिल जाएंगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी प्री लोडेड ऐप्स हैं जो आपको इसमें दी गई हैं, इन्हें आप हटा सकते हैं अगर हटाना चाहें। डेली हंट और जोश जैसी ऐप पॉपुलर ऐप्स भी इसमें दी गई हैं। और कैमरा में हम एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि कैसा ये वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कुछ सिंपल सा कैमरा लेआउट है। यहाँ पे वीडियो, पोर्ट्रेट मोड, मोर में अगर हम जाएंगे तो स्लो मो, टाइम लैप्स, एक्सपर्ट, टेक्स्ट स्कैनर और काफ़ी फीचर दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं है, बहुत सिंपल अभी तक लग रहा है यहाँ पे। अब
कुछ क्वालिटी वगैरह की बात मैं ज्यादा इस समय इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि तुरंत इसमें फोटो लेके हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितना एफिशिएंसी से ये वर्क करता है। हालांकि अभी तक तो देखा जाए कैमरा क्वालिटी ठीक लग रही है मुझे, लेकिन लाइट कंडीशन में ही चेक करके हम इसे बता पाएंगे फुल रिव्यू में इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। और साथ में 16MP का जो ये मेन यहाँ पे पंच होल कैमरा दिया गया है उसकी क्वालिटी आप देख रहे होंगे अभी फिलहाल कैसी है। और साथ में AI टच, तो ये भी फीचर इसमें मिलता है, बहुत से लोगों को ये पसंद आता है। तो कुछ इस तरह का कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा फर्स्ट इंप्रेशन। इससे जुड़े अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके हमें पूछिए, साथ में ये डिजाइन आपको कैसा लगा, ये कलर कैसा लगा, इसके बारे में भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये था Realme 9i का एक फर्स्ट इंप्रेशन और अनबॉक्सिंग वीडियो, जिसमें आपने देखा हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है और साथ में फोन में क्या फीचर दिए गए हैं, कैमरा कैसा है, इसमें क्या है। अब इसका डिटेल रिव्यू जो है हम थोड़े दिनों बाद लाएंगे, देखेंगे इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है और रियल यूजर्स में इसकी जो बैटरी है 5000 mAh की वो कितना बैकअप आपको देती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इससे जुड़ा कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। चल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।